नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। नाम योर मेंटर शिवांश पसी। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। एंड डेफिनेटली मैं उन स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करने वाला जिसके बारे में आप लोगों को जनरली पता होता है, मतलब TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक। इन स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद यहाँ से मल्टीबैगर हो सकते हैं। यस, यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक्स मल्टीबैगर हो सकते हैं, कंपनी अच्छी है। हम ज़्यादा डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हम फंडामेंटल बेसिस पे नहीं जाते हैं, बट चार्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। बट मैं आपको कुछ फाइनेंशियल्स उनके दिखाऊंगा एंड प्रमोटर होल्डिंग्स दिखाऊंगा एंड आपको पता चलेगा कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है। एंड डू योर ओन रिसर्च एज वेल बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो जिस तरीके से मैं आईटी हब को देख रहा हूँ वो सिक्वेंशियली बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है ईयर टू ईयर बेसिस पे। क्या चल रहा है, हम लोग आईटी सेक्टर, अब आपको पता है कि एक मेन हब है, एक मेन ऐसा सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, ठीक है। अगर हम लोग फोन यूज करते हैं, फोन के अंदर चिप डलती है तो वो आईटी सेक्टर से होती है एंड सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। तो आप लोग देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर अभी बूम नहीं हुआ है, ठीक है, एंड अभी भी आईटी सेक्टर बूम हो सकता है। सो उसके बेसिस पर मैं ऐसे तीन स्टॉक्स लेकर आया हूं जो मुझे जनरली लगता है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया पैसा आईटी सेक्टर के अंदर कमवा के दे सकती है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा है आईटी सेक्टर के अंदर, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं TCS या विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करूं, सो आप वेट कर सकते हैं और ये तीन स्टॉक्स पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। सो बात कर रहे हैं अपने तीन स्टॉक्स की तरफ और बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर जाना हूँगा अपनी ग्रो की साइट पे एंड वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। सो चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ। सो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैं ग्रो की साइट पे आ चुका हूं एंड यहीं पर ही हम लोग अपनी एनालिसिस करेंगे। एंड सबसे पहला स्टॉक की बात करें तो वो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। यस, सो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ बढ़ते हैं। एंड यस, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट्स की, तो फर्स्ट ईयर का अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न है, ठीक है। थ्री इयर्स का अगर रिटर्न दिखाऊं तो 20% का है, नेगेटिव 20% का, एंड ऑलमोस्ट फाइव इयर्स का रिटर्न 9.75 नेगेटिव परसेंट का है। बट इस बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टॉक ने अब जो ग्रोथ दिखाना स्टार्ट करी है ये डेफिनेटली 5 साल या 3 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करवा सकता है। ये नहीं होता कि स्टॉक ने जो पास्ट में हम लोगों को बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करवाया है वही हमें और प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो इसी के बेसिस पे मैं इन स्टॉक्स को फाइंड करके लाया हूं जो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम के अंदर अंदर ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट या मल्टीबैगर स्टॉक्स भी बन सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। देखिए, बहुत कम आईटी सेक्टर वाली ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कराती हो एंड उसमें से सबसे बढ़िया आईटी सेक्टर मुझे अभी तक ये लगी जो कि 5.5% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करवाती है। और बहुत बढ़िया कंपनियां, अगर मैं मान के चल रहा हूँ 5.5% भी प्रोवाइड करवाएं सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे, तो भी आप लोग बहुत बढ़िया रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप इन चार्ट को ही फॉलो कर सकते हैं जो एक ग्राफ बना हुआ है, इसके बेसिस पे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, आप नीचे आएंगे, आप नीचे देखेंगे सबसे पहले इसका एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। अगर मैं आपको ईयर बताऊं तो मार्च 17 से मार्च 20 तक का मैंने ईयर यहां पर डाटा आपके सामने विजिबल है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 40 करोड़ से हम लोग देख रहे हैं उसका एबिटा मार्जिन 40% से लेके 60% तक ईयर टू ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड आप देख रहे हैं ग्राफ, अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है इसका पर्टिकुलर ग्राफ। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं, बैलेंस शीट पे अगर आप लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं डेप टू इक्विटी रेशियो के। डेप टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.94 से गिरते गिरते हम लोग देख रहे हैं 0.08 आ चुका है, ठीक है, 0.08 तक डेप टू इक्विटी आ चुका है, मतलब बिल्कुल नल हो चुका है। और आपको एक चीज पता होगी कि डेप टू इक्विटी आईटी सेक्टर के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। एंड तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नल है बिल्कुल, डेप टू इक्विटी बिल्कुल जीरो के बराबर है एंड आई थिंक ये कंपनी बेस्ट है आप लोगों के लिए। कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इसका ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, मार्च 2019 पे अगर हम इसका कैश इनफ्लो देखेंगे तो 60 करोड़ का था, मार्च 20 में माइनस 80 करोड़ का कैश आउटफ्लो था, बट इसके पीछे एक रीजन था। आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट कैश की तरफ, तो यहां पर इन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है 1530 करोड़ की, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने देखा जो इनका कैश इनफ्लो था वो आउटफ्लो में बदल गया। ठीक है, अगर ये इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे तो इन लोगों को अभी भी बहुत बढ़िया कैश इनफ्लो हुआ है। ठीक है, सो ये थी हमारी पहली कंपनी। एंड सो दूसरी कंपनी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो भी हम डाटा देख रहे हैं, ये हम डाटा देख रहे हैं ग्रो ऐप से। सो ग्रो ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है ग्रो ऐप, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यंगस्टर्स के लिए भी और ओल्ड एज के लिए भी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं तो मेरे पापा, मेरे मदर सब ने ओपन ये करवा रखा है, एंड उसी पे वो लोग अपना मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना बहुत ईजी है, आपको अपना पैन अकाउंट की डिटेल चाहिए होंगी, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल चाहिए होंगी, केवाईसी के थोड़े बहुत डाटास आपको फिल करने पड़ेंगे, एंड इंस्टेंट विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो क्वार्टरली या सिक्स मंथ या एनुअली बेसिस में जाते थे हर ब्रोकर्स के पास से, वो भी बिल्कुल फ्री है। सो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस से भी आप लोग बच सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो बात करते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर, एंड दूसरी कंपनी की हम लोग बात करने से पहले आप लोगों को मैं स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा, दैट इज FSL। तो FSL के बारे में सर्च करते हैं, FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, एंड वन ईयर का रिटर्न अगर देखें तो ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न, कितना 200% का रिटर्न, थ्री ईयर का 100% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है, एंड 222% का रिटर्न दिया है इसने पांच साल के अंदर अंदर। यस, नीचे आते हैं, नीचे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करा रहा है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 116 रुपए में, विच इज द वेरी गुड पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, 2% का रिटर्न डिविडेंड यील्ड करवा रहा है, विच इज वेरी गुड। नीचे आते हैं एंड देखते हैं अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स ईयर बेसिस पे, देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्टेबल, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट स्टेबल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 26, 29, 32, 32, मतलब ऑलमोस्ट स्टेबल है। ठीक है, एंड बात करते हैं बैलेंस शीट की, सो बैलेंस शीट पर भी अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, 0.10, 0.04, 0.4, 0.6, मतलब बिल्कुल नल के बराबर भी यहां पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, एंड विच इज वेरी गुड। ठीक है, अगर आप बात करते हैं टोटल लायबिलिटी की, विच इज 52 करोड़ की, टोटल एसेट्स की बात करेंगे तो 2100 करोड़ की इसकी एसेट वैल्यू है। ठीक है, सो विच इज वेरी गुड। ओके, कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं जो इसका ऑपरेशंस है, मतलब जो इसके ईयर टू ईयर बेसिस के ऑपरेशंस हैं वो बहुत तेजी से स्पाइक कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन इन आईटी सेक्टर कंपनीज। ठीक है, ये पिछले साल इसका हम लोगों ने देखा था कि इसका जो कैश इनफ्लो था वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ था, एंड इस साल का भी रिजल्ट आना बाकी है, कुछ टाइम में आ जाएगा, हम इसको भी फॉलो करके तब इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाते हैं एंड देखते हैं पर्टिकुलर इस कंपनी की मार्केट कैप, तो ऑलमोस्ट 8100 करोड़ की है, और लगभग आप बात करेंगे टोटल एसेट्स की तो वो 2000 करोड़ की है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 25-30% की तो इनके पास एसेट्स ही हैं जो मार्केट कैप को होल्ड करके रखती हैं, विच इज अ गुड साइन। नीचे आके अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को स्टडी करें तो ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास 53% की होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 21% की है, एंड म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ऑलमोस्ट 10% की है, विच इज अ गुड साइन। ओके, बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की, विच इज द थर्ड स्टॉक, दैट इज एम्फेसिस। एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये पर्टिकुलर तीन स्टॉक, एंड आई डेफिनेटली नो शायद बहुत लोगों को जो ये वीडियो देख रहे होंगे इन तीन स्टॉक्स के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये तीन स्टॉक्स आईटी सेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट ओरेकल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एंड एम्फेसिस। एम्फेसिस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले चार्ट्स चेक करें, वन ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट 147% आप यहां चेक कर सकते हैं, स्टॉक प्राइस के नीचे ही विजिबल है। 3 ईयर रिटर्न 89%, 5 ईयर रिटर्न 235% का रिटर्न। यस,
सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250% तक का रिटर्न दे रहे हैं 5 साल के अंदर अंदर। ये स्टॉक इन्वेस्ट करने वाले हैं कि नहीं है? इन स्टॉक्स के बारे में डेफिनेटली बहुत लोगों को नहीं पता होता, एंड हम लोग वेट करते हैं TCS या विप्रो में बेट करवाने में। आप बात करिए, वो कंपनी हो गई है लार्ज कैप, वो एक सेचुरेशन पॉइंट में आ चुकी है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं पाती है, ठीक है? तो वो उन लोगों को डबल होने में, देखिए वो स्टॉक गिरते भी बहुत जल्दी नहीं है, बढ़ते भी बहुत जल्दी नहीं है, ठीक है? तो उनको डबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक जो हल्के हल्के स्टेबल हो रही है, ग्रोथ कर रही है, एंड वो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। तो ये पर्टिकुलर 3 कंपनीज ऐसी हैं। नीचे आते हैं, बात करते हैं, तो 2% का डिविडेंड यील्ड, विच इज अ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है? एंड ओके, नीचे आते हैं एंड बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स का मैं ईयरली देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली कम से कम 3 साल से इसका जो नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास ही था, एंड विद इन अ ईयर जो टू मार्च 20 के अंदर एक ऐसा स्पाइक मिला, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% का नेट प्रॉफिट पे इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है। बात करते हैं अगर एबिटा मार्जिन की, तो ऑलमोस्ट 28% से 37% तक जा चुका है, एंड 20% से नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% तक जा चुका है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट पे अगर आप यहां देखेंगे, डेप टू इक्विटी बिल्कुल देखिए 1% से अगर नीचे हो डेप टू इक्विटी, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अ कंपनी, एंड ऑलमोस्ट ये तो 0.50 से भी नीचे है, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। ओके, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कंसिस्टेंटली 3,000 करोड़ के ऊपर ऊपर भी यहाँ पर इसका बैलेंस शीट का ग्रोथ है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो पे अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली इसका जो ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो कंसिस्टेंटली इसका इंक्रीज कर रहा है, एंड ऑलमोस्ट 3 साल से डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 400 करोड़ से ये 900 करोड़ तक पहुंच चुका है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर अस। ओके, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्रोमोटर्स के बाद 56% की होल्डिंग्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स के पास 21% की है, हमारे पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास 5% की होल्डिंग है, और मतलब अभी तक कम लोगों के पास आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं, ठीक है? इन 5% के अंदर आ सकते हैं, आई थिंक ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। सो अभी तक आप लोगों ने इन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट नहीं करा तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं तो मार्केट अभी भी नीचे आने के चांसेस हैं, कभी भी डिप मिले इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए, प्लस इन 3 स्टॉक्स के रिजल्ट भी अभी आने वाले हैं 20 मार्च 2021 के, एंड उनके बेसिस पे भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो आई होप मैंने आप लोगों को अच्छा एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करवाया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सेक्टर से रिलेटेड भी ऐसे गिने चुने स्टॉक्स लेकर आऊं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता एंड वो मल्टीबैगर बन सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं कौन से सेक्टर के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हम लोगों से नेक्स्ट। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे, एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूंगा, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक ऐसी वीडियो बना रखी है जो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाली है, एंड वो वीडियो आप लोगों को चेक करनी जरूर होगी। देख सकते हैं यहां पर वीडियो आप लोगों को विजिबल होगी, जैसे ये एंड होगा वीडियो आप लोगों को विजिबल हो जाएगी स्क्रीन के अंदर, आप जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेगा तो और भी ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगे। सो लेट्स एम फॉर 1,000 likes इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से अगली वीडियो पे। तो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।